नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ईश्वर और वेद का परस्पर संबंध, वेद ज्ञान की महत्ता। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, विषय की ओर चलते हैं। ईश्वर और वेद शब्दों का प्रयोग तो दूसरों करते हैं, देखते सुनते रहते हैं, परंतु सभी मनुष्यों को वेद और ईश्वर का परस्पर संबंध क्या है इसका यथोचित ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान के ना होने से हम वेदों की महत्ता को यथार्थ रूप में नहीं जान पाते। वेद अन्य सांसारिक ग्रंथों के समान नहीं है। सभी सांसारिक ग्रंथ अल्पज्ञ मनुष्यों की रचनाएं हैं जिसमें ज्ञान की अपूर्णता, ज्ञान के विपरीत कुछ अनेक बातें भी हो सकती हैं। वेद ऐसे ग्रंथ ना होकर संसार के रचयिता परमात्मा का अपना अनुभव सिद्ध और अनादि ज्ञान, नित्य ज्ञान है। परमात्मा में वेदों में निहित ज्ञान कभी भी किसी समय विशेष पर उत्पन्न नहीं हुआ। परमात्मा ने इस ज्ञान को अपने किसी गुरु माता पिता से नहीं सीखा है। परमात्मा का ना कोई गुरु है ना माता पिता, वह एक स्वयंभू अनादि नित्य सत्ता है। परमात्मा में जो ज्ञान और सामर्थ्य है वह भी अनादि नित्य और स्वयंभू है। परमात्मा का ज्ञान सर्वथा सत्य निर्भ्रांत संसार के सभी जीवों का हितकारी है। उस ज्ञान को प्राप्त होकर आचरण करने से जीवों का कल्याण होता है और उसकी उपेक्षा इससे दूरी अपार हानि होती है, जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त मनुष्य ही जान सकते हैं। यदि ऐसा ना हो तो सृष्टि के आरंभ से अब तक 1,96,00,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी हमारे पूर्वज इस वेद ज्ञान को अपने प्राणों से प्रिय जानकर रक्षा नहीं करते। संसार में ज्ञान का प्रकाश वेदों के प्रकाश से ही हुआ है। यदि परमात्मा सृष्टि की आदि में उत्पन्न मनुष्यों व स्त्री पुरुषों को वेदों का ज्ञान प्रदान ना करते तो मनुष्यों की भाषा और ज्ञान की दृष्टि से देव अज्ञ और अज्ञानी ही रहता। परमात्मा ने मनुष्यों को सृष्टि की आदि में वेदों का ज्ञान देकर सब मनुष्यों को अपनी कृपा की है। हमें वेद ज्ञान में स्वाध्याय सहित उसके आचरण प्रचार द्वारा उसकी रक्षा के समुचित प्रबंध करने चाहिए। जो मनुष्य ऐसा करते हैं वह करेंगे वह ईश्वर की विशेष कृपाओं के पात्र होंगे। यदि वेद नहीं रहेंगे तो धरती पर मानवता भी नहीं रहेगी। वेदों के द्वारा ही मानवता का प्रचार होता है। जिन ग्रंथों में मानव हित की बातें हैं वह भी उनमें से वेदों में ही पहुंची हैं, वेदों से ही पहुंची हैं। ऐसा विचार और चिंतन करने पर स्पष्ट होता है संसार के सभी ग्रंथ वेदोत्पत्ति के बाद ही बने हैं। अतः सभी ग्रंथों में जो सत्य ज्ञान से युक्त सामग्री है उसका आधार प्राप्ति का स्रोत वेद ज्ञान ही है। वेद परमात्मा का ज्ञान है, वह मनुष्यों के हित करने के लिए उन्हें प्रदान करते हैं। परमात्मा को सृष्टि की रचना पालन आदि का विशद ज्ञान है, परंतु उसने मनुष्यों को वेद के माध्यम से उतना ही ज्ञान दिया है जितना उसके लिए हितकर, लाभदायक और उपयोगी होता है। यदि वहाँ वेद का ज्ञान का अध्ययन हम रक्षण प्रचार करते हैं तो इसके हमें लाभ प्राप्त होता है। हम स्वयं ज्ञानी बनते हैं, सत्य और असत्य को जानने में समर्थ होते हैं। सत्य का पालन कर हम अपना और अन्यों का उपकार करते हैं। इससे मानव जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत होने सहित आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति से युक्त विकसित होता है। ऐसा करने से सभी मनुष्य सुखी और आनंद से युक्त होते हैं। हम वह व्याधियों और रोगों से दूर स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए शारीरिक और मानसिक आत्मा की शक्तियों से युक्त होते हैं। अतः हमें वेदों का अध्ययन कर इनसे स्वयं का लाभ उठाना चाहिए। दूसरों को भी वेदाध्ययन की प्रेरणा देकर उन्हें वेद मार्ग में अग्रसर और परोपकार के मार्ग पर प्रवृत्त करना चाहिए। वेद परमात्मा में निहित नित्य ज्ञान है, वह सदैव परमात्मा में विद्यमान रहता है। इस ज्ञान का अभाव परमात्मा में कभी नहीं होता। यह भी जानने योग्य है कि परमात्मा चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में अमेथुनी सृष्टि में उत्पन्न चार ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा को ही देते हैं। उनके द्वारा वेद ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया जाता है और उनसे वह इतर सभी स्त्री और पुरुषों को प्राप्त होकर पिता से पुत्र और आचार्य से शिष्य को प्राप्त होकर सृष्टि के उत्तर काल में विद्यमान रहता है। यदि हम वेदों की सावधानीपूर्वक रक्षा नहीं करेंगे तो यह विकृतियों को भी प्राप्त होकर समाज में अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ आदि को जन्म देता है। महाभारत काल के बाद हमने इसका अनुभव भी किया है। आज भी हम वेदों को प्राप्त होकर वेद प्रचार में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। संसार में ऐसे प्रचार में मनुष्य और संगठन है जो ईश्वर प्रदत्त वेद ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, अपने मत की अल्पज्ञता और असत्य बातों को युक्त ज्ञान और अज्ञान का ही प्रचार करते हैं। वह वेदों की परीक्षा नहीं करते और अपने सत्य मत पंथ के ग्रंथों की सत्यता की समीक्षा भी नहीं करते, उसमें निहित सत्ता सत्य की पहचान करने का प्रयत्न नहीं करते। इसे ही कारणों से वेदों का समुचित आदर नहीं हो पा रहा है। इससे मनुष्य जाति का तो कल्याण हो सकता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है जो कल्याण इससे हो सकता है उसमें। ऋषि दयानंद ने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों यथा ईश्वर के सत्य स्वरूप और मृत्यु पर विजय आदि की खोज करते हुए वेदों के सत्य स्वरूप को प्राप्त किया था। वह वेदों के यथार्थ महत्व के परिचित थे।
और ईश्वर की प्रेरणा से ही उन्होंने वेदों के सत्य अर्थों का प्रचार किया। इस कार्य को करने के लिए उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण व्यतीत किया। उन्होंने अपने अपूर्व वेद ज्ञान के आधार पर सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि सहित ऋग्वेद और यजुर्वेद भाष्य लिखे। असामयिक मृत्यु के कारण वह अथर्ववेद और सामवेद का भाष्य पूर्ण नहीं कर सके। उनका ऋग्वेद भाष्य भी अपूर्ण रह गया। वेदभाष्य के इस शेष कार्य को उनके अनेक अनुयायियों और शिष्यों ने वेदार्थ की उनकी ही पद्धति के आधार पर पूरा किया, जिससे आज चारों वेदों के सभी मंत्रों का विस्तृत भाष्य हमें प्राप्त होता है। वेदों से ही ईश्वर सहित जीव और प्रकृति का सत्य स्वरूप जाना जाता है। ईश्वर की उपासना विधि का ज्ञान भी वेदों से होता है। ऋषि दयानंद ने ईश्वर की उपासना की विधि भी वेद मंत्रों के आधार पर बनाई है, जिससे सभी मनुष्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि दयानंद के ग्रंथों का अध्ययन कर ईश्वर सहित इस समस्त सृष्टि को यथार्थ रूप से जो है जाना जा सकता है। ईश्वर को योग साधना द्वारा प्राप्त होकर उसका साक्षात्कार करने सहित मोक्ष, जो जन्म मरण से अवकाश प्राप्त होता है, ईश्वर के आनंद स्वरूप में विचरण करना होता है, प्राप्त किया जा सकता है। यह लाभ वेद, ऋषि दयानंद के वेदिक ग्रंथों और अध्ययन, उनमें बताए गए साधनों को करने के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। वेद ईश्वर में अनादि काल से ही निहित सत्य ज्ञान है। वह अपने अनादि नित्य और अनंत ज्ञान, सर्वज्ञता सर्वशक्तिमान स्वरूप से सृष्टि की रचना और पालन करते हैं। सदैव आनंद में रहते हैं, उनमें कोई भी अप्राप्य और अपूर्ण इच्छा नहीं है। सभी जीवात्माएं उनकी संतान व शिष्यों के समान होती है। वह सबके माता पिता और आचार्य हैं, अतः सबको ज्ञानयुक्त करना ही उन्हीं का कर्तव्य है, कार्य है। उन्होंने अपने इस कर्तव्य को सृष्टि के आरंभ में ही पूरा किया था। आज भी वह हमें बुरा काम करने पर अंतरात्मा में प्रेरणा कर बुरे काम को रोकने के लिए भय, शंका, लज्जा को उत्पन्न करते हैं। जब हम ज्ञान की प्राप्ति, परोपकार, दान, निर्बलों की सेवा, सहायता कर रहे होते हैं, तो वह हमें उत्साह, आनंद और निशंकता की प्रेरणा करते हैं। वह हमारे सच्चे मित्र हैं। हमें अपने हृदय के विशाल बनाकर ईश्वर को प्राप्त वेद ज्ञान, जो ईश्वर से प्राप्त है, उसको ऋषि दयानंद की मान्यताओं के आलोक में परीक्षा करके सत्य का ग्रहण कर असत्य का त्याग करना चाहिए। इसी से हम जो है इसको हम जो है अध्ययन करेंगे, रक्षा करेंगे, तो इसी से हमारा हित और कल्याण होगा। यदि हमें वेद ज्ञान का आचरण और रक्षा नहीं करेंगे हम, तो इससे हमारी भावी पीढ़ियां वंचित हो जाएंगी और जिससे हमारा अपकृत्य होगा। हम वेद ज्ञान का अर्जन और पालन कर अपने इस जीवन सहित भविष्य में भी सुरक्षित और कल्याण को प्राप्त रहेंगे। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें। धन्यवाद।